कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश से। अगर आपको इतना ही पैसा आपके यहाँ प्रतापगढ़ में कमाने का मौका मिल जाए तो आप मुंबई में रहेंगे कि प्रतापगढ़ चले जाएंगे? ये उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जी दोनों तो मित्र हैं, दोस्त हैं। आप उत्तर प्रदेश वाले कभी भी कोई किसी भी जवाब का मतलब सवाल का जवाब जलेबी की तरह क्यों देते हो? सबसे सस्ता मार्केट कौन सा है जहां अच्छी और सस्ती चीजें मिलती है? तो आप लोगों के लिए कुछ किए यूपी से है तो वो तो कैसे बनाएगा? जब वो यूपी से आया तो उसका आधार कार्ड मुंबई में कैसे बनेगा? उसके पास तो यूपी का ही आधार कार्ड होगा। तो मुंबई में क्या अच्छा नहीं लगता ये बताइए। उसके बाद भी यहाँ की रोड नहीं बनी तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ की सरकार, आप जवानी शुरू होने से पहले आप मुंबई आए थे फिर भी मुंबई के लिए आपका दिल नहीं धड़कता, ऐसा क्यों? जितने भी हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं मुंबई में ही रहते हैं, कभी किसी से मुलाकात हुई, किसी को देखे? कहाँ चलेंगे आप? चलेंगे? चलेंगे ना, अंधेरी। अंधेरी नहीं आता, वही जाना है। वही चलेंगे? कितना लेंगे? कितना वो मीटर से चलेगा? मीटर से कहाँ से हैं? चलिए फिर रास्ते में बात करेंगे। अंधेरी मुंबई से ही है? नहीं, यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी के हैं। चलिए फिर बात होगी रास्ते में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी ऑटो है जिसमें हम जा रहे हैं। यूपी में कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से यूपी कब, सबसे पहले मुंबई कब आए थे? मैं आया था 87 में आया। 87 में आए थे। अब पैदा कब हुए थे? 68 को। तो क्या उम्र थी आपकी उस समय जब आप मुंबई आए? 21 साल। अच्छा, 21 साल, एकदम भरी जवानी में मुंबई आए थे कि जवान होने के टाइम में मुंबई आए थे? जवान वाली पहले ही आ गए थे है ना। तो मतलब आपकी जवानी मुंबई में कटी। कैसी थी आपकी जवानी मुंबई में? बढ़िया थी। क्या किया आपने मुंबई आके? मुंबई आके बहुत कुछ किया है। मैंने भाजी का धंधा किया। अच्छा, इसके बाद ये ऑटो चलाना शुरू किया 95 से। है, अच्छा, 95 से आपने ऑटो चलाना शुरू किया। पहले सब्जी बेचते थे। तो क्यों आपने ऑटो चलाना अच्छा लगा आपको और सब्जी वाला बिजनेस आपने बंद कर दिया? परमिट बंद का, परमिट चालू हो गया ऑटो का, तो परमिट। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप सब्जियां बेच रहे होते तो ज्यादा पैसे कमा सकते थे मुंबई में? वो तो है। ये भी शौक था चलाने का, बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो काम के अलावा मुंबई में आपको क्या अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है यहाँ है। तो आप जवानी में आ गए थे, कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह थी मुंबई में आपकी कि ऐसे ही थे? नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। शादी कहाँ की है फिर? गांव में किया। अच्छा, गांव में घर वालों ने ढूंढा और पिताजी ने किया। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, घर में दिक्कत हो जाएगी। आदत नहीं था। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले वो माहौल नहीं था, आप काम करने आए, काम किए और सीधे चले गए, मतलब अपनी जिंदगी को जिए, है ना। बाकी के कामों के लिए आपके पास मौका नहीं था। नहीं। तो मुंबई जब कभी घूमते थे कौन सी जगह में जाते थे उस समय? गिरगांव में। हमारा गिरगांव में फ्लैट था, ठाकुर रोड है। हमारे राजा पिताजी, बड़े पिताजी सब वहीं रहते थे पहले। मरीन ड्राइव घूमते थे। अच्छा, मरीन ड्राइव घूमते थे। मरीन ड्राइव क्या क्या है मरीन ड्राइव में? वहाँ वही दरिया, समुद्र है, है। और शाम को सब घूमने आते हैं वहाँ भी, है, है। अच्छा लगता था बहुत। अच्छा, तो मतलब आप ऐसी जगह में जाते थे जहाँ पर ज्यादातर लोग इकट्ठे हों, है ना, और जगह अच्छी थी, जगह पसंद थी आपको। फिर उसके अलावा और क्या क्या घूमते थे? वहाँ भुवनेश्वर है, मुंबई देवी है, लालवा देवी है, और गिरगांव जो पार्टी है सब घूमते थे। अच्छा अच्छा, तो अभी ये बताइए। अच्छा, जाते थे सर जगह। ये बताइए, जब आप अभी की बात करें तो अभी कहाँ जाते हैं घूमने, कौन सी अभी अच्छी जगह लगती है आपको मुंबई में? जुहू चौपाटी अच्छा लगता है। जुहू चौपाटी, अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मुंबई खाने में आपको क्या पसंद है? मुंबई में खाने में पानी पूरी है, मसाला डोसा है। यहाँ का बड़ा पाव बहुत फेमस है। बड़ा पाव फेमस है। कुछ है कहानी आपके पास, आपके जीवन से जुड़ी, जो बड़ा पाव आपको याद आ जाए? मैंने बोला तो
हाँ वही गिरगांव में हम लोग बड़ा भाव का मतलब शुरू शुरू में आए थे मुंबई बॉम्बे तो काफी अच्छा लगता था। उस टाइम पे अच्छा लगता था तो मतलब बड़ा पाव से ही काम चला लेते थे। हाँ है ना अच्छा। और अभी अभी आप कौन सी जगह घूमने जाते हैं मुंबई में? अभी के सब है यहाँ पे जो जो पार्टी है गेट ऑफ इंडिया है अभी भी वहीं जाते हैं। मतलब जो बचपन में आपको जो जगह पसंद थी वहीं आप अभी भी जाते हैं। वो मतलब आपकी पसंद में मुंबई के हिसाब से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है ना? तो मुंबई में क्या अच्छा नहीं लगता ये बताइए आप। ये रोड अच्छी लग रही है आपको? हाँ ये खराब वही बोलने वाला था। हाँ ये अच्छा नहीं लगता, ये देखो रास्ते का हाल कैसा है। कुछ बताइए आप इस रास्ते में रोज चलते हैं? हमें हमें IIT के पास आप छोड़ दीजिएगा ठीक है? क्यों बताइए ये अच्छा नहीं लगता, ये रास्ता यहाँ का खराब हो जाता है बार 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 बार। इससे आप इस रोड की वजह से आपको कितना नुकसान होता है? बहुत सालों का आने का दिल नहीं करता इधर, रॉयल पंप को आने का दिल ही नहीं करता। रास्ता खराब है यहाँ कोई बोलता है तो जो एक बार आएगा दोबारा आएगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए ये वही जगह है, इस जगह के बारे में आपको पता है अच्छे से? हाँ ये जगह के बारे में पता है। बताइए इस जगह की कहानी बताइए। रॉयल पंप का रास्ता इतना खराब हो गया है इस जगह में कभी मेट्रो स्टेशन बनने वाला था तो लोगों ने बहुत लड़ाई की सरकार से कि इस जगह के पेड़ पौधों को बचाया जाए क्योंकि मुंबई में ये सबसे हरी भरी जगहों में से एक है, है ना? उसके बाद भी यहाँ की रोड नहीं बनी तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ की सरकार उन लोगों से जिन लोगों ने ये जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी उनके साथ बदला ले रही है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता? हो सकता है। हो सकता है का क्या मतलब है? क्या मुंबई में हर जगह ऐसी ही रोड है? नहीं हर जगह नहीं है, है? हर जगह तो ऐसा रोड नहीं है। यहाँ का रोड इतना खराब है कि आने का वो नहीं होता है। हाँ यही की हो सकता है। अभी रास्ता अभी अगर आपको जितना पैसा आप कमा रहे हैं कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 800 रुपए मतलब 25-30 हजार रुपए महीना आप कमा लेते हैं, है ना? अगर आपको इतना ही पैसा आपके यहाँ प्रतापगढ़ में कमाने का मौका मिल जाए तो आप मुंबई में रहेंगे कि प्रतापगढ़ चले जाएंगे? प्रतापगढ़ चले जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? इतने मतलब आप जवानी शुरू होने से पहले आप मुंबई आए थे फिर भी मुंबई के लिए आपका दिल नहीं धड़कता, ऐसा क्यों? मतलब आपको लगता है कि जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे गाड़ी नहीं चलाएंगे आप मुंबई में रह नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए आपको पता है कि आपका जो घर है वो वही है, आप मुंबई कभी आपका घर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? क्योंकि आप आपको मुंबई ने घर आपको दिया ही नहीं, है ना? ऑटो वाले को कोई पूछता ही नहीं है क्या है तुम्हारे पास क्या नहीं है, 30-40 साल से आदमी रहता है वो ऑटो वाले का वो ये कुछ पूछता ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है वो ऑटो वालों के ऊपर उसका विशेष प्रेम है, बहुत कुछ वो ऑटो वालों के लिए करती है ऐसा मैंने सुना है, आपने भी सुना है क्या? हाँ मैं भी सुना है। क्या सुना है आपने दिल्ली के बारे में? सुना है कि ऑटो वाले को 5-5 हजार रुपए करोड़ वहाँ सरकार दे रही है। अच्छा तो आप ये उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल जी दोनों तो मित्र हैं दोस्त हैं, है ना? क्या कहेंगे अपने मतलब केजरीवाल जी के दोस्त उद्धव ठाकरे जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कि आप लोगों की कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या गलत हो रहा है आपके साथ? यही मतलब कोई पूछ नहीं रहा है ऑटो वालों को, कोई वो नहीं है, इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए मतलब ऑटो वालों को भी है। अच्छा ये बताइए दिल्ली में एक ऑटो चलाने वाले को जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो कितने में बन जाता है दिल्ली में, आपको कुछ पता है? नहीं पता है। मुंबई के बारे में पता है? हाँ मुंबई के बारे में पता है। कितना लगता है?
हजार रुपए में बन जाएगा। लेकिन मुझे अपने उत्तर प्रदेश का एक लड़का आया था, अभी कल ही मिला था, उसका इंटरव्यू ले रहा था मैं, वो भी ऑटो ही चलाता है। तो मैंने उससे पूछा कि मुंबई में आपको क्या लगता है, मतलब क्या परेशानी, तो उसने बोला मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया है। मैंने पूछा क्यों नहीं बन पाया, तो उसने बोला कि यहाँ पे 25,000 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो के जो लाइसेंस होते हैं चलाने के लिए वो बनते हैं। क्या सच है ये? नहीं, सच नहीं है। उसने बोला इसी वजह से मैं नहीं ले पाया। वो ऑटो चलाता है बिना लाइसेंस के? बिना लाइसेंस के। अच्छा, इसीलिए शायद आपको रिन्यूअल बस का पैसा लगता होगा। आपको कैसे पता करोगे कि वाकई में ये सही है कि गलत है, कैसे मैं पता करूं? ये तो आरसी हो जाएंगे तो मालूम पड़ जाता है। अच्छा, 25,000 रुपये गलत है? अच्छा, उसका प्रूफ नहीं होगा कुछ? अच्छा, तो कैसे उसको आधार कार्ड, क्या मुंबई का होना चाहिए? मुंबई का होना चाहिए। तो कैसे बनाएगा जब वो यूपी से आया, तो उसका आधार कार्ड मुंबई में कैसे बनेगा? उसके पास तो यूपी का ही आधार कार्ड होगा, शायद इसीलिए उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे होंगे, टैक्स है ना। आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम लिखते हैं? भारत लाल जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश से? अभी तो ये जाना मुश्किल है। यार, आप उत्तर प्रदेश वाले कभी भी कोई किसी भी जवाब का, मतलब सवाल का जवाब जलेबी की तरह क्यों देते हो? लेकिन घर परिवार के लोग रहते हैं, बातचीत तो होती होगी। हाँ, तो बताइए फिर कौन बनेगा आपके हिसाब से? योगी आदित्यनाथ है, इसके बाद भी कौन बनेगा, ये अक्षय कुमार। अच्छा, तो काम कौन अच्छा किया आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर? अखिलेश यादव ने काम किया, मायावती ने काम नहीं किया? मायावती ने किया था। मायावती ने किया था, तो मायावती ने क्या काम अच्छा किया था? मायावती का शासन कड़क था, अच्छा था। है, और अखिलेश यादव ने क्या काम अच्छा किया था? देश के लिए, मतलब बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई का सब सम्मान दिया है, और सेवा अच्छा बनाया है, लखनऊ में रोड भी बनवाया था। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या अच्छा काम किया? योगी आदित्यनाथ उससे है, उनको नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम उसने क्या किया। अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं किए। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में? हो सकते बन जाएंगे। अच्छा, का दर्द मेरा दर्द, मेरा दर्द आपका दर्द। मेरे मौसी के लड़के थे, कल गाँव, मतलब गाँव में आए, कल मुंबई से कल गए गाँव गए, पहुँच गए। अच्छा, उनका लड़का है, पट्टी नहीं पकड़ा गए, फेसबुक देखेंगे, रिपोर्टर है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, मुंबई में सबसे सस्ता मार्केट कौन सा है जहाँ अच्छी और सस्ती चीजें मिलती हैं, चाहे वो कपड़े की हो, टीवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की हो, मोबाइल की बाजार हो, बताओ। ये तो वही रहेगा अंधेरी में, अंधेरी मार्केट है। हाँ। क्या नाम है? अंधेरी में इरला है। वहाँ सस्ता मिलता है, क्या खास है वहाँ मार्केट? कौन से, ईस्ट या वेस्ट? क्या खास है उस मार्केट में? साइड में पड़ता है, मतलब इरला है, पुकारा सेक्टर है। अच्छा, तो उस मार्केट में क्या क्या चीजें मिलती हैं? वहाँ पे आपको मोबाइल, कपड़ा, ये सब मिलता है। अच्छा, तो जनरली अपने यूपी बिहार के ही लोग वहाँ जाते हैं? नहीं, बहुत दूर दूर जाते हैं, बोरी बोरी। अच्छा, मतलब थोक मार्केट है वो? बड़ा, मतलब बहुत दुकान है, कम से कम 50 दुकान है। अच्छा, तो मतलब वो मार्केट घूमना चाहिए हमें। हाँ। और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। मुंबई में और क्या दिखाना चाहिए? और बाजरा रोड है। हाँ।
बांद्रा सिंह सी लिंक रोड। हाँ सही है। मरीन ड्राइव खुली है क्या? घूमने के लिए तो मतलब अभी पता नहीं, तो आई है मतलब जा सकते हैं। वहाँ मतलब अगर ये है कि भीड़ लगाना अलाउड नहीं है तो भीड़ नहीं लगा सकते। और उसके अलावा फिर और क्या देखना चाहिए? गेटवे ऑफ इंडिया है, एलिफेंटा है, और ये मरीन ड्राइव है, मछली घर है तारापुर वाला। क्या खास है वहाँ पे? सारे मछली का, पूरा मछली का वो है, मछली का सब देखने के लिए। अच्छा चालू है, बंद नहीं वाले है, नाम का। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप अपने जीवन काल में, मतलब जब से आप मुंबई में हो, जितने भी हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं मुंबई में ही रहते हैं, कभी किसी से मुलाकात हुई, किसी को देखे? मैं तो बहुत दिन को देखा। हाँ, किस किस को देखे हैं? मैंने देखा हूँ अमिताभ को, बहुत बार देख चुका हूँ, अनुपम खेर है, अनिल कपूर है। तो अमिताभ बच्चन को सबसे पहली बार आपने कब देखा था? अमिताभ को मैं मतलब 15-20 साल पहले देखा था। कहाँ मुलाकात हुई थी आपको? तो बंगला है ना, जू में। अच्छा, वो वहाँ पे हर संडे को निकलते थे, मतलब हाथ जोड़। अच्छा अच्छा, मतलब घर आप लोग गए थे उनके दर्शन करने? वहाँ पे हर संडे को निकलते हैं 5 बजे। कितनी बार गए हैं वहाँ? मैं तो 20 बार गया। क्यों ऐसा क्यों? जनरली तो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। उनका भी नाम है, यूपी के हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ किए यूपी से हैं तो वो यहाँ मुंबई में? हम लोग के लिए नहीं, के लिए हम लोग के दिल में तो है, धड़कन में। दिल में तो है, धड़कन में है। लेकिन क्या कभी अमिताभ बच्चन ने, देश में उनका बड़ा नाम है, अगर वो कुछ कहेंगे तो सरकारों को भी करना पड़ेगा, अगर किसी के हक के लिए वो लड़ लिए तो सरकारों को भी झुकना पड़ेगा अमिताभ बच्चन के आगे। उसके बावजूद उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए कभी कोई लड़ाई जीवन में क्यों नहीं लड़ी वो? चुनाव लड़े थे, वो जीते थे। क्या किया था उन्होंने फिर? पता नहीं चला, कुछ किए नहीं, उसके बाद रिजाइन दे दिए, छोड़ दिए। अरे मुंबई में रह के भी वो कर सकते थे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। क्या किया उन्होंने? आपको क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए था? वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चीज बने, बना देना चाहिए, कर देना चाहिए, फैक्ट्री डाल देना चाहिए, कुछ भी करवा देना चाहिए। तो मतलब ये चीज आपके अंदर अच्छी नहीं लगी? अंदर कैसे जाते हैं, एंट्री कैसे, किधर से होती है? तो अभी एंट्री हुई थी। हाँ यहाँ रुक लेते हैं आप, अगर खड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलिए, हम किसी और को पकड़ के आ जाएंगे। देख लीजिए, घूम लीजिए पहले। ठीक है।